नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधन का जो डेट लाइन दिया गया था वो भी पूरा हो गया है, यानी 4 दिन से अधिक हो गए हैं। अभी संशोधन पर कोई भी जवाब शिक्षा निदेशक या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री या विभाग की तरफ से अभी तक नहीं आया है कि प्राप्तांक और पूर्णांक पर क्या निर्णय लिया गया है। वही थर्ड काउंसलिंग की भी सहनशीलता पार होती चली जा रही है, जहां मंत्री जी का आदेश था कि आवंटन होने के जस्ट बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक उनका इस पर भी कोई जवाब नहीं है, ना कोई अपडेट ही दे रहे हैं वो लोग। और यहां ओरिएंटेशन कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद अपने अनुभव को शेयर करते हुए अध्यापकगण, और ये रात के 1 बजे की सीन है सेंट जेवियर्स कन्नौज, जहाँ पर आवंटन कार्यक्रम रात तक चला, यानी देर रात तक कार्यक्रम पूरा यहाँ पर विद्यालय आवंटन का कार्यक्रम चला। यहाँ देखिए अभ्यर्थी रात भर जागते रहे हैं। 2:07 का ये सीन है। और आवंटन के बाद कुछ अध्यापक बाहर आते हुए, यहाँ पे देखिए ये 3:25 की सीन है। कारण क्या है कि आवंटन कार्यक्रम लेट हो जाने के कारण अब रात रात भर विद्यालय आवंटन का कार्यक्रम किया जा रहा है सेंट जेवियर्स में। वहीं बलिया शिक्षकों ने किया कुछ खास, नवागत भी वो बोले बे आर बारी बनेगा पैरक ब्लॉक। तो यहाँ बेरू आर बारी को प्रेरक ब्लॉक बनाएंगे बीओ महोदय। और आवंटन के बाद पोष देते हुए शिक्षक गण, अपडेट न्यूज देख लेते हैं। उच्च शिक्षा में शामिल होंगे क्षेत्रीय कला और संस्कृत के पाठ्यक्रम। यूपी डीएलएड का पेपर हुआ लीक, जांच शुरू, शुचिता पर सवाल। प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, आजमगढ़ व प्रयागराज जिले में अफरा तफरी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को प्रतापगढ़ की रिपोर्ट का है इंतजार। तो डीएलएड लगातार लीक का मामला अभी भी नहीं सुलझ रहा है। व्हाट्सएप पे पेपर आ गए थे फिरोजाबाद में गणित, तो प्रतापगढ़ व प्रयागराज आजमगढ़ जिला में सामाजिक अध्ययन का पेपर लीक हुआ है। इससे पहले व्यापक पैमाने पे सीटेट का पेपर आउट हुआ था। रिटायरमेंट से 12 घंटे पहले डीआईजी बने पंकज कुमार। बस्ती में भाजपा नेता की हत्या के मामले में चल रही थी विभागीय कार्यवाही। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर अभी भी इनवैलिड अभ्यर्थियों तथा गलत डाटा जमा करके नौकरी लेने वाले शिक्षकों की जाँच को ब्लॉक को मिलेंगे 50,000। तो लगभग 6,50,000 का बजट जारी कर दिया गया है प्रसिद्ध विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के दस्तावेज की जांच के लिए। विभाग 6,50,000 खर्च कर सकेगा। विभाग की ओर से हर ब्लॉक को दस्तावेज की जांच के लिए बजट अलाउ कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी शिक्षकों के मामले सामने आने के बाद से अब सभी विभाग शिक्षकों के दस्तावेज का सत्यापन करा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी कब होगा, सिर्फ कस्तूरबा का नहीं होगा, सभी का होगा। 69,000 शिक्षक में जो शामिल हो गए उनको भी, जो नियुक्ति पत्र ले चुके हैं, अब उनका कल आपको एक डाटा दिखाया गया था जिसमें बुलंदशहर ने अपना जांच क्लियर कर लिया है। यहाँ पर 8 लोगों को अब जो है नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया गया है, यानी कि सब फाइनल लिस्ट हो गई है। जितना भी यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे, नियुक्ति पत्र पा चुके थे 69,000 में, सबका क्लियर कर दिया गया है। अब ये फाइनल रूप से बाहर कर दिए गए हैं, इनको मूल अभिलेख है जो है वापस कर दिया गया। वहीं पुरानी पेंशन डीए के लिए सोशल मीडिया पर छिड़ा गया है जंग। और फैसला, सहायक प्रोफेसर बनने को पीएचडी जरूरी है। केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एआईसीटी विनियमों के अनुसार 5 मार्च 2010 के बाद सहायक प्रोफेसर पद के लिए पीएचडी अनिवार्य है। जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो अब क्या होगा, 5 मार्च 2010 के बाद इस पद के लिए पीएचडी अनिवार्य है। शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट के निर्णय को कर दिया है रद्द। वहीं अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए अब शिक्षा कक्षा तक होंगे रिलीव, यानी कि डेट बढ़ा दिया गया है। वहीं ट्विटर को केंद्र सरकार ने सख्त चेतावनी दिया है। तो फार्मर्स जेनेसाइड हैशटैग नहीं हटाने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। ट्विटर ने नजरअंदाज करके ब्लॉक अकाउंट को फिर से कर दिया था चालू। और असिस्टेंट प्रोफेसर आते आते अब पदों की संख्या 2002 हो गई है। 4900 से शुरू हुआ सफर घटते घटते 2002 आ गई है। अगर जल्दी वैकेंसी नहीं निकले तो ये पद घट करके 202 भी हो सकते हैं। तो लंबी कवायद के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में छात्र आरक्षण की खामियां तो दूर कर लेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय बुधवार को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की 2002 पदों की भर्ती का अधियाचन अब भेज दिया। आयोग पहले 2016 किया था, अब 2002 का, यानी 14 पद कम हो गए हैं। कॉलेजों में जो खाली पद हैं, पहले 4500 था, फिर 4900 हुआ, फिर इसको 2016 किया गया, फिर घटा दिया गया, यानी ये घटता चला जा रहा है। अगर जल्द वैकेंसी नहीं आई तो पद और भी घट सकती है।
और शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर के ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थी। आपको बता दें कि कई दिनों से इन अभ्यर्थियों का कहना है कि एसटी वर्ग की खाली सीटों को अगर एससी में नहीं जोड़ा गया तो अभ्यर्थी आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। एसटी की सीटें एससी में बदले जाने की मांग को लेकर के काफ़ी दिनों से उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने इसे आश्वासन दिया था। अब अभ्यर्थियों को लगने लगा है कि ये सिर्फ आश्वासन देकर के हमें गुमराह कर रहे हैं, इन्होंने फिर से अपना आंदोलन चालू कर दिया है। और तैयारी, ओबीसी में क्रीमी लेयर की आय सीमा 12 लाख होगी। विश्व रिकॉर्ड बनाने को वीडियो अपलोड, योजना तैयार। चौरी चौरा दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है कार्यक्रम, पहले से की थी तैयारी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिंक पर अपलोड किए गए वीडियो, यानी देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला चौरी चौरा कांड को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी समारोह पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बुधवार से वंदे मातरम गायन कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसके लिए वीडियो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिंक पर अपलोड किए गए हैं। यह अभियान 4 फरवरी तक जारी रहेगा, इसी को लेकर के प्लानिंग की जा रही है। चौरी चौरा कांड के 100 साल यादगार बनाया जा सके, इसके लिए सरकार अपनी ओर से 1 साल का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 3 फरवरी को सैल्यूट मुद्रा में वंदे मातरम गाते हुए वीडियो तैयार किया गया था, इसके गिनीज बुक के लिंक पर अपलोड कर दिया गया। यह लिंक 4 फरवरी दोपहर 12 बजे तक चालू रहेगा, जिसके चलते शहर भर के शिक्षा संस्थान पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लिए। और आज 1,07,000 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। और वंदे मातरम को गिनीज बुक में दर्ज कराने की तैयारी है। यहाँ पर मास्टरमाइंड विकास यादव प्रतापगढ़ से गिरफ्तार। तो सीटेट प्रश्न पत्र लीक मामला, आगरा के छात्र मोहित यादव को व्हाट्सएप पर भेजा था प्रश्न पत्र। पुलिस और एसटीएफ की कई जिला में है दबिश। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ कोचिंग भी चलाता था विकास। तो केंद्रीय सीटेट में जो पेपर आउट हुआ है, यहाँ देखिए एटम भी आरोपी की है तलाश। और बीएड 18 से 15 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड 2021, 23, 19 मई को हो सकती है प्रवेश परीक्षा। इन तारीखों का ध्यान रखें, 18 मई से ऑनलाइन आवेदन होगा, 15 मार्च को आवेदन जमा होगा, 22 मार्च को विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन अंतिम तारीख तक आप जमा कर सकते हैं। 10 मई को प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे, 19 मई को प्रवेश परीक्षा होने की संभावना है, 20 से 25 जून को प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित की जाने की संभावना है। परीक्षा शुल्क 1500 रुपये लगेंगे। और 4 साल में प्रदेश में खुलेंगे 47 नई ITI अग्रवाल। वहीं एनसीटी ने बीटीसी बीएड कॉलेजों से मांगी जानकारी, कॉलेज में महीने भर के भीतर नहीं भेजा बेरा तो होगी कार्रवाई। और खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट पर बीएसए ने की कार्रवाई। संत कबीर नगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बुधवार को विभिन्न आरोप में 3 प्रधानाध्यापकों से 6 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तो हुआ क्या था, स्पष्टीकरण आपको बता दें कि सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय भगोली 7 अक्टूबर से बगैर सूचना के अनुपस्थित चल रही। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक विद्यालय चिकनी नाथनगर किरण उपाध्याय को निर्देश दिए गए अपने शैक्षिक दस्तावेज उपलब्ध कराए, उन्होंने भी नहीं उपलब्ध कराया, अब इन लोगों को हटा दिया गया है। और पर्यावरण अध्ययन का पर्चा हुआ आउट, प्रतापगढ़ में परीक्षा शुरू होने से पहले वायरल हुआ था पेपर। और आयोग को ग्रुप सी की भर्ती का अधिकार है, भर्ती के खिलाफ याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जा सकती। और SPF RFO का प्रवेश पत्र भी जारी, लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक ACF क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO 2020 की मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और वसूली में नपी गोंडा की खंड शिक्षा अधिकारी अंतर जनपदी ताबदले के लिए वसूली कर रही थी पैसे। PCS में पूछा गया अभ्यर्थियों से भ्रष्टाचार दूर करने के क्या उपाय हैं। वहीं 5,000 रुपये घूस लेते हुए लेखपाल भी गिरफ्तार, भ्रष्टाचार निवारक संगठन की टीम ने पकड़ करके उन्होंने थाने पुलिस को सौंपा। और कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 8 फरवरी तक खोलने की तैयारी, निर्देश भी हैं जारी। लंबे समय से इंतजार जिसका था, आयोग पहुंच चुकी है 2002 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की फाइल, जल्दी आ जाएगी वैकेंसी। अब कारण क्या था, क्षेत्रीय आरक्षण का जो मैटर था वो भी सॉल्व कर लिया गया, अब भर्ती का रास्ता साफ कर दिया गया। और आवंटन के बाद सुबह 5 बजे सड़क पर चहल कदमी करते हुए अभ्यर्थी कन्नौज। तो सीटेट जो जानकारी मिल रही है, मास्टरमाइंड को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। और चौरी चौरा दिवस, चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव प्राथमिक विद्यालय सोनपुर में, तो कार मुक्ति के लिए मांगी गई थी घूस। यहाँ पे देखिए कितने लोगों से लिया गया था, ये हैं ममता सिंह, शिक्षकों के एक सोशल मीडिया ग्रुप पर वसूली की सूची हुई थी जारी। काफी समय से रोके हुए थे फाइल, 1085 शिक्षकों के ताबदले ही नहीं कर रहे थी। तो जो शिक्षक से शामिल थे सीटेट आउट में, वो भी अब निलंबित हो गए, पुलिस ने तैयार कर लिया है रिपोर्ट। आपको बता दें कि 69,000 में चयनित एक शिक्षिका भी दूसरे के स्थान पे पेपर देते हुए पकड़ी गई थी। और UGC नेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा UGC नेट के लिए जो होगा मई में, कंप्यूटर आधारित होगा। आवेदन शुल्क 100 रुपये से 500 रुपये, 250 रुपये तक है वर्ग अनुसार।
पात्रता 55% अंकों से निर्धारित विषय में आप मास्टरमाइंड किए हों। और यहाँ पे देखिए मोबाइल में प्रश्न पत्र का उत्तर देखते हुए परीक्षार्थी आउट होने के बाद हाथों पर उत्तर लिख रही थी छात्राएं, पर्ची तैयार करने में जुटे रहे छात्र, मीडिया कर्मी के पहुंचने पर मोबाइल लेकर छिपते नजर आए परीक्षार्थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को ग्रुप सी के पदों पर भर्ती करने का अधिकार है, उसकी इस अधिकारिता को चुनौती नहीं दी जा सकती।